एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल साइंस में। गाइस देखिए, नारियल के मोदक जो कि हमने बहुत आसान विधि से 2 मिनट में बनाकर रेडी किए हैं, तो चलिए देखते हैं ये कैसे बने हैं। और प्लीज पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें, थैंक यू। हेलो एवरीवन, हम छाया मिश्रा आप सबका स्वागत करते हैं अपने चैनल छाया मिश्रा में। तो चलिए देखते हैं आज की हमारी रेसिपी कि आज हम आप लोगों के लिए क्या लाए हैं। तो चलते हैं किचन की। आज हम बनाने जा रहे हैं नारियल के मोदक। तो ये जो कटोरी है इसी भर के हमने नारियल लिया था, जिसको हमने हमारा नारियल भीग जाए इतने दूध में हमने इसे डिप कर दिया था, ठीक है। और ये हमारी हाफ कटोरी चीनी जिसको हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि कैसे बनाना है 2 मिनट में नारियल के मोदक। ये देखिए, हमने फ्लेम ऑन करी है और अपना नारियल इसमें ऐड करेंगे, ठीक है। देखिए वैसे तो आप बना सकते हैं, देखिए आपने हमने कितना दूध ऐड किया था कि भीग गया अच्छे से। इस तरह से भिगो के बनाने से ना आपको ये लगेगा कि हम ताजे नारियल से बना रहे हैं। और आप कंडेंस मिल्क डालकर बनाना चाहें तो उससे भी बना सकते हैं। और हम ये देखिए इसी तरह से आप इसको इतना पकाएंगे कि ये ड्राई हो जाए, ठीक है। ड्राई होने तक इसको हम पका लेंगे। ये गाइस आप देख रहे होंगे कि हमारा ये ड्राई होने लगा है नारियल, बट अभी नहीं, इसको पूरी तरह से ड्राई करेंगे। उसके बाद हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। एक बात और गाइस, आप अगर चाहें तो इसमें पीसी चीनी का भी ऐड कर सकते हैं, बट हम खड़ी चीनी ही इस्तेमाल करेंगे क्योंकि ये तो मतलब इसमें जो मॉइस्चर है उसी में गली जानी है, तो इस वजह से, ठीक है। तो इसको हम अच्छे से सुखाते हैं। ये देखिए गाइस, आप देख रहे होंगे इसमें बिल्कुल दूध सूख गया है, ठीक है, ड्राई हो गया। तो अभी इसमें चीनी डाल देंगे। एक बात और गाइस, अगर आपके पास डेसिकेटेड नारियल नहीं है तो आप जो नारियल हरा वाला आता है वो भी इस्तेमाल कर सकते हो, और जो जिसको खोपरा भी बोलते हैं, ठीक है, नारियल का गोला पूरा वो आता है, तो उसको भी आप कद्दूकस करिए और फिर ग्राइंडर में डालकर ग्राइंड कर लीजिए, तो आपको डेसिकेटेड नारियल मिल जाएगा, तो आप उससे भी बना सकते हैं। ये देखिए हमने इसमें चीनी डाल दी है, तो ये चीनी हमारी जो है वो अभी देखिए पूरी तरह से नारियल हमारा ड्राई नहीं हुआ था, हल्का सा मॉइस्चर था, उसमें मैंने चीनी डाल दी है, तो ये थोड़ा सा पतला हो जाएगा क्योंकि जो चीनी हमारी पिघल जाएगी, ठीक है। तो इसको हल्का हल्का सा सुखाएंगे। ये देखिए गाइस, 2 मिनट इसको पकाते हुए हो गया है। तो अब इसमें हम डालेंगे घी 1 स्पून, सिर्फ 1 स्पून डाल देंगे, बस बहुत है अपना। घी डालने से थोड़ा सा नारियल में चमक आ जाएगी और तली में चिपकेगा नहीं, ठीक है। और हमको इतना पकाना है कि ये डो के फॉर्म में आ जाए। अभी गीला है बहुत ज्यादा, तो इसको हम अच्छे से पकाएंगे कि डो के फॉर्म में आ जाए हमारा, ठीक है। देखिए गाइस, ये हल्का हल्का सा थिक हो गया है, ठीक है, पानी भी सूख गया, लगभग मॉइस्चर भी सूख गया इसका। तो इस टाइम पर आप थोड़ा सा धीमा कर लें वरना तली में चिपक सकता है, ठीक है। और उसका लास्ट में हम एक इंडिकेशन भी बताएंगे आपको, सबसे अच्छा सा इंडिकेशन जिसको आप देखकर बहुत आसानी से पता कर पाएंगे कि ये हमारा मोदक बनने लायक हुआ है या नहीं, ठीक है। तो उसी हिसाब से ये देखिएगा, इस समय पर ड्राई हो चुका है हमारा, ठीक है। तो आप एक इंडिकेशन दिखाते हैं, एक मिनट संभाल कर ऐसे उठाइए क्योंकि थोड़ा सा गर्म है इस वजह से। और इस तरह से करते हुए आप देख लीजिए कि अच्छे से बॉल बन रही हो हमारे हाथ में, ये चिपक ना रहा हो। ये देखिए बन रही बॉल अच्छे से, ये देख सकते हैं आप, ये देखिए देखिए बन गई अच्छे सी बॉल। तो बस यही एक इंडिकेशन है इसका कि हमारा बैटर हो चुका है। तो अब हम फ्लेम बंद करेंगे और हल्का सा इसको ठंडा कर लेंगे, ठीक है, इसी में रखेंगे और इसको चलाते हुए ठंडा करेंगे आराम से, और फिर हम बनाएंगे। ये देखिए गाइस, छूने के लायक हो गया है। तो आप इसमें से छोटा सा एक बॉल लेंगे इस तरह से, अभी गर्म है, ठीक है, बहुत ज्यादा ठंडा भी नहीं है चाहिए इसके लिए, बहुत ज्यादा गर्म भी नहीं चाहिए। ये देखिए इस तरह से बॉल बनाया, गोल बॉल बन गई। इसको हम थोड़ा थोड़ा सा मोदक का शेप देंगे इस तरह से, इस तरह से। देखिए गाइस, हम बता रहे हैं सांचे से भी बहुत अच्छे से बनता है ये देखिए गाइस, एकदम से बनकर, एकदम अच्छे से बनकर बन गया है। आप चाहें तो इस पर हम टूथपिक या फिर फॉक से निशान बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसी तरह से हम सारे बनाएंगे।
ठीक है, हम निशान कोई नहीं दे रहे हैं, आप चाहें तो आप दे सकते हैं। ये देखिएगा एक और हम बता रहे हैं आपको, इसी तरह से बॉल बनाई और अपनी इन उंगलियों से थोड़ा सा ऊपर टॉप का पार्ट ऐसे करेंगे और जैसे हम मोदक का शेप होता है उसी तरह से मोदक का शेप दे देंगे इस तरह से। ये देखिए हमने उंगलियों से बनाया है तो ये उंगलियों से भी इसकी छाप बन गई है, तो कितनी प्यारा लग रहा है। तो चलिए इसी तरह से हम सारे बनाते हैं, फिर मिलते हैं आके। ये देखिए गाइस हमारे मोदक बन गए हैं नारियल के, ठीक है। तो आप हम देखिए फूड कलर ले रहे हैं रेड का, रेड के आकार का। इसको डेकोरेट करने के लिए आप चाहें तो केसर के धागे जो होते हैं वो गर्म दूध में भिगो दीजिए और उससे आप कलर कर सकते हैं, ठीक है। बनकर रेडी है बिल्कुल हमारे नारियल मोदक। तो आप इस गणेश चतुर्थी को आप नारियल का भोग लगाइए लड्डुओं मोदकों का, नारियल के मोदकों का। और ये दिखा रहे हैं आप एक हम तोड़ के आपको कि कितने जूसी और कितने यम्मी हैं, बहुत टेस्टी लगते हैं खाने में। तो आज की हमारी ये रेसिपी अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट रेसिपी के साथ।